हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सृष्टि उपाध्याय और आज मैं आप लोगों से फार्म पावर मशीनरी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो वी विल नाउ डिस्कस टॉप 50 फार्म पावर एंड मशीनरी क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन इंडिजिनस प्लाव इज़। एक इंडिजिनस प्लाव क्या होता है? एक इंडिजिनस प्लाव एक मल्टीपर्पज़ टूल रहता है। इंडिजिनस प्लाव ट्रेडिशनल टाइम से यूज़ हो रहा है और इसको हमारे फार्मर्स, जब कोई भी फार्म इम्प्लीमेंट्स नहीं था तो इसको टिलेज के लिए यूज़ करते थे। देन सेकेंड क्वेश्चन इज़ टिल्ट एंगल इन डिस्क प्लाव वेरीज फ्रॉम। जो टिल्ट एंगल होता है डिस्क प्लाव में वो कितना रहता है? सो वो इतना 15 to 25 degree होता है। डिस्क जो है टिल्टेड रहती है वर्टिकल से और एक एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं टिल्ट एंगल, और वो होता है 15 से 25 डिग्री। फिर द टू प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट आर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं और उनमें पूछा गया है कि प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट इनमें से कौन कौन से हैं। तो MB प्लाव और सब सॉइलर जो है वो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क एंगल एडजस्टमेंट इन्फ्लुएंसेस। जो डिस्क एंगल रहता है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? तो डिस्क एंगल जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से डिस्क का बनता है और वो जो विड्थ ऑफ कट रहता है डिस्क का उसको इन्फ्लुएंस करता है। या तो डिस्क एंगल बढ़ने से विड्थ ऑफ कट बढ़ता है और कम होने से, डिस्क एंगल कम होने से विड्थ ऑफ कट भी कम होता है। फिर द साइज़ ऑफ एन MB प्लाव इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो MB प्लाव का साइज़ रहता है वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होता है? तो वो विड्थ ऑफ कट के रेफरेंस, विड्थ ऑफ कट में एक्सप्रेस होता है। जब भी MB प्लाव की बात होती है तो उसका साइज़ जब भी दिया जाता है तो वो उसका विड्थ ऑफ कट बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर हेक्टर एप्लीकेशन रेट ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर इज़। जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर रहता है ULV, वो उसका एप्लीकेशन रेट कितना रहता है? उसका एप्लीकेशन रेट रहता है 5 लीटर पर हेक्टेयर। उसको बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है क्योंकि वो फील्ड में ज़्यादा यूज़ करने पे क्रॉप्स को ख़राब भी कर सकता है, तो हम उसको कम डालते हैं और उसको 5 लीटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर की ज़मीन में 5 लीटर डाला जाता है। तो फिर आता है फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्लाउइंग इज़ डन विथ। जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन यदि हमको करना, कहीं एरिड रीजन है जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं चिजल प्लाव। ठीक। फिर टोटल ग्रेन लॉसेस इन कम्बाइन, ग्रेन लॉसेस इन ग्रेन कम्बाइन इंक्रीजेस विथ। जो कम्बाइन रहता है उसमें लॉसेस कब कब बढ़ते हैं? तो जब हमारी स्पीड बढ़ती है कम्बाइन की तब बढ़ते हैं, जब हाइट कम होती है कम्बाइन की, स्टबल की, तो भी लॉसेस बढ़ते हैं, और जब कॉनकेव क्लियरेंस बढ़ता है तब भी लॉसेस बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कॉनकेव क्लियरेंस क्या होता है। तो कॉनकेव क्लियरेंस सिलेंडर और कॉनकेव के बीच में जो लेंथ रहती है, डिस्टेंस रहता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव क्लियरेंस। वो यदि कम करो तो जो ब्रोकन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यदि ज़्यादा करो तो लॉसेस बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कल्टीवेटर शॉवेल इज़। जो कल्टीवेटर शॉवेल रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाव, मोल्ड बोर्ड प्लाव के लिए किस मटेरियल का यूज़ होता है? तो वो सॉफ्ट सेंटर आयरन का रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल गियर इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन टू शाफ्ट्स। तो जो बेवल गियर रहता है वो सेम प्लेन में रहते हैं, दो गियर्स के बीच में, जब दो शाफ्ट के बीच में जब पावर ट्रांसमिट करनी है राइट एंगल पे, जहाँ पे दो शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे हम बेवल गियर का यूज़ करते हैं। इसका नॉर्मली यूज़ हम स्टेयरिंग में करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरल गियर इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट प्लेस्ड एट। तो जो स्पायरल गियर रहता है वो कब कब यूज़ होता है? तो वो जब यूज़ होता है जब आपको एक एंगल में पावर ट्रांसमिट करनी है, दो शाफ्ट हैं वो कुछ एंगल बना रही हैं, तो हम स्पायरल गियर का यूज़ करेंगे, और वो दो शाफ्ट दो अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हैं तो हमारा स्पायरल गियर यूज़ होता है। फिर गियर इज़ यूज्ड फॉर, गियर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो गियर का मेन काम रहता है स्पीड रिडक्शन, और यदि यहाँ पे और भी जो ऑप्शन दिए उसमें है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ शाफ्टिंग के लिए भी। तो
मेन यदि काम पूछा जाए तो स्पीड ऑफ रोटेशन, चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन है, और यदि सारे उसके पर्पस पूछा जाए तो फिर है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ शाफ्टिंग ऑल्सो। ठीक, फिर है इन एन एपिसाइक्लिक गियर स्पीड रिडक्शन यूनिट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ एनुलर गियर टू द सन गियर इज। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ी थी उसमें जो रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ एनुलर गियर, जो बाहर गियर रहते हैं उनका रेशो और अंदर जो सन गियर रहता है उसका रेशो कितना रहता है, तो उसका रेशो रहता है 4:1। फिर है द वर्चुअल हिच पॉइंट फॉर आर डायरेक्शनल इम्प्लीमेंट इज यूजुअली लोकेटेड। जो वर्चुअल हिच पॉइंट रहता है, वर्चुअल हिच पॉइंट मतलब जो दिखता नहीं है बट वहाँ पे हिच होना चाहिए, इम्प्लीमेंट वहीं पे ट्रैक्टर से हिच होता है ऐसा माना जाता है, वो कहाँ पे रहता है, तो बिटवीन टू लोअर लिंक्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे, बिटवीन टू लोअर लिंक्स। फिर वेयर आउट लाइफ ऑफ अ ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर इज, जो वेयर आउट लाइफ रहती है, वेयर आउट लाइफ मतलब उसकी सेल्फ लाइफ एक तरीके से कही जाए तो, यह कल्टीवेटर कितने घंटे काम कर सकता है, तो एक कल्टीवेटर की जो टोटल लाइफ रहती है वो 2,500 घंटे रहती है। आप 2,500 घंटे कल्टीवेटर को नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो वेयर होना स्टार्ट कर देगा। फिर है इन अ कम्बाइंड हार्वेस्टर द रेशो ऑफ रील पेरिफेरल स्पीड टू द फॉरवर्ड स्पीड शुड नॉर्मली बी इन द रेंज ऑफ। जो एक कम्बाइंड हार्वेस्टर है उसमें रील रील स्पीड इंडेक्स विच इज़ रील पेरिफेरल स्पीड अपॉन फॉरवर्ड स्पीड कितना रहता है, तो उसकी वैल्यू रहती है 1.25 से 1.5। फिर है द कटर बार ऑफ अ ट्रैक्टर ऑपरेटेड मूवर नॉर्मली मेक्स, जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड मूवर रहता है उसमें कटर बार की स्पीड कितनी रहती है, तो उसकी रहती है स्पीड 800 से 1200 स्ट्रोक्स पर मिनट। फिर द एवरेज थ्रेशिंग आउटटर्न ऑफ पेडी थ्रेशर, जो एवरेज थ्रेशिंग आउटटर्न है पेडी थ्रेशर का वो कितना रहता है, तो वो रहता है 650 kg/h। फिर द आइटम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट आर, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के आइटम्स के क्या क्या हैं, इंटरेस्ट और हाउसिंग, इन ये फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ये चेंज नहीं होएगा कभी। फिर है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ डीजल इंजन इज, एक डीजल इंजन की कितनी लाइफ रहती है, उसकी लाइफ होती है 10 ईयर्स। लैंड शेपिंग बिकम्स इजेंशियल वेयर ऑफन फॉलोइंग इम्प्लीमेंट यूज, तो जब हम एम बी प्लाव का यूज़ करते हैं तो लैंड शेपिंग हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि वो सॉइल को पूरा थॉरली पल्वराइज कर देता है, तो उसके बाद सोइंग के लिए हमको एक बार लैंड शेपिंग करनी ही पड़ेगी। फिर है स्वीप्स आर यूज फॉर, स्वीप्स जो रहते हैं उनका यूज़ हम कब करते हैं, तो स्वीप्स का यूज़ जो रहता है वो मल्चिंग के लिए मेनली यूज़ होता है। फिर है लैंड प्लेन इज़ आइडियली सूटेड फॉर, लैंड प्लेन का यूज़ कब होता है, तो लैंड प्लेन का यूज़ होता है टॉप फिनिशिंग के लिए। फिर है वर्टिकल सक्शन ऑफ अ प्लाव इन्फ्लुएंसेस, जो एक प्लाव रहता है उसमें दो सक्शन रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सक्शन एक वर्टिकल सक्शन, तो यहाँ पे वर्टिकल सक्शन की बात हो रही है। वर्टिकल सक्शन किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, तो वह डेप्थ ऑफ कट को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्क एंगल एडजस्टमेंट इन्फ्लुएंसेस, डिस्क एंगल के एडजस्टमेंट किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो जो है अभी हमने पहले भी पढ़ा था, विड्थ ऑफ कट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कोल्टर अटैचमेंट इज़ यूज विद, जो कोल्टर अटैचमेंट रहता है, दो अटैचमेंट रहते हैं एक जॉइंटर एक कोल्टर, तो ये दो अटैचमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो ये एम बी प्लाव में यूज़ होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग प्रिसीजन प्लांटर इज, प्रिसीजन प्लांटर इनमें से कौन सा, प्रिसीजन प्लांटर का यहाँ पर क्या मीनिंग है, यह मीनिंग है कि जो एक एक सीड को रो काउंट कर करके फील्ड में डाले उसको बोलते हैं प्रेसिजन प्लांटर, तो डिबलर इज़ अ प्रेसिजन प्लांटर, एक एक सीड को वो काउंट करके डालता है, बाकी सब जो ऑप्शन है वो बल्क में डालते हैं सीड को, तो यदि हमारे पास कम सीड है लैक ऑफ सीड है तो हम डिबलर का यूज़ कर सकते हैं। प्लाव शेयर्स आर मेड ऑफ, तो प्लाव शेयर अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कल्टीवेटर शेयर, अब यहाँ पे प्लाव शेयर बात हो रही है, तो ये भी जो है चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। द साइज ऑफ एन एम बी प्लाव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, एम बी प्लाव का साइज अभी हमने पहले पढ़ा था, तो वो भी है जो विड्थ ऑफ कट से एक्सप्रेस होता है। द स्पाइक टूथ हैरो आर यूज मेनली फॉर, स्पाइक टूथ हैरो उसके स्पाइक्स लगे रहते हैं उसका यूज़ हम काय के लिए करते हैं, तो उसका यूज़ हम सरफेस फिनिश देने के लिए करते हैं।
रीपर इज़ यूज्ड फॉर, एक रीपर है उसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? रीपर जो रहता है मेनली कटिंग के लिए, ग्रासेस को काटने के लिए और उसको विंड्रो करने के लिए, मतलब पैक करके रखने के लिए उसका यूज़ होता है। अ थ्रेशर कॉज मोर सीड डैमेज इफ, एक थ्रेशर जब ज़्यादा सीड डैमेज कॉस्ट करेगा जब यदि आप उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो। डेड फरो इज़ मेड बाय, डेड फरो जो है सिर्फ वन वे प्लाव से बनती है, बाकी टू वे प्लाव या रिजर या डिस्क हैरो से नहीं बनती है। फिर है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ डिस्क हैरो इज़ इंक्रीज्ड बाय, डिस्क हैरो में जो है जैसे डिस्क प्लाव में हमारा डिस्क एंगल रहता है या टिल्ट एंगल रहता है, वैसे इसमें गैंग एंगल रहता है। गैंग एंगल जो है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता, इंक्रीज करता है। इक्विपमेंट्स फॉर प्लेसिंग सीडलिंग्स इन सॉइल इज़ कॉल्ड, जब हमें सीडलिंग प्लांट करनी है सॉइल में तो हम किस इम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे ट्रांसप्लांटर। द मूअर्स आर डिज़ाइन टू कट, मूअर्स किस क्या डिज़ाइन कर क्या काटने के लिए यूज़ करते हैं? तो ग्रासेस काटने के लिए हम मूअर्स का यूज़ करते हैं। ASPEE आर फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ASPEE जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है वो स्प्रेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आती है। कॉमनली यूज्ड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन फर्टी सीड ड्रिल, ट्रांसमिशन सिस्टम फर्टी सीड ड्रिल में कौन सा रहता है? तो वो रहता है बेल्ट पुली एंड चेन स्प्रॉकेट। बेल्ट पुली के थ्रू भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो और चेन स्प्रॉकेट से भी। सब सॉइलर प्लाव इज़ बेस्ट सूटेड फॉर, सब सॉइलर का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? तो जब हार्ड पेन हो जाते हैं, मिट्टी कड़ी हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं सब सॉइलर का। इन चेक रो द सीड स्पेसिंग इज, एक चेक रो में सीड स्पेसिंग सेम रहती है एज द रोज। तो इन चेक रोइंग द सीड स्पेसिंग, चेक रो जो रहता है वो स्क्वायर शेप बनाता है, मतलब आगे भी प्लांट टू प्लांट एज वेल एज रो टू रो डिस्टेंस सेम रहता है। फिर फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्लॉइंग इज डन विद, जब हमें मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है तो हम प्लाइंग करते हैं चेजल प्लाव से। फिर सब सॉइलर्स आर ऑपरेटेड एट अ मिनिमम डेप्थ ऑफ, सब सॉइलर को हम मिनिमम डेप्थ कितनी रखते हैं? तो 45 to 75 सेंटीमीटर हमारी मिनिमम डेप्थ रहती है। फिर फॉर ऑपरेटिंग रोटावेटर ऑन ट्रैशी सॉइल विच टाइम्स आर बेटर, तो रोटावेटर को जब हमें ट्रैशी मतलब होता है जहाँ पे पुराना मतलब फील्ड का कचड़ा हो, तो वहाँ पे हम एल शेप्ड रोटावेटर का उपयोग करते हैं। इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव द टिल्ट एंगल वेरीज बिटवीन, एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव रहता है उसमें टिल्ट एंगल 20 to 25 degrees रहता है, और जब वर्टिकल डिस्क प्लाव की बात आती है तो ये टिल्ट एंगल 0 degrees हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन इज, जो पुल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, इट इज साइड ड्राफ्ट। हॉलो कोन नोजल एम्प्लॉयड ऑन बूम टाइप स्प्रेयर हैव स्प्रे एंगल ऑफ, हॉलो कोन नोजल में स्प्रे एंगल कितना रहता है? तो वो रहता है 60 to 95 degrees। पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट कटर इज अबाउट, जो इम्पैक्ट कटर रहता है उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है? तो उसकी वेलोसिटी रहती है, पेरीफेरल वेलोसिटी की यहाँ बात हो रही है, वो रहती है 50 meters per second। टोटल फोर्स एग्जर्टेड अपॉन द इम्प्लीमेंट बाय अ पावर यूनिट इज कॉल्ड, जो इम्प्लीमेंट पे जितना भी फोर्स लगता है पावर यूनिट की तरफ से, जैसे ट्रैक्टर है वो इम्प्लीमेंट को जब खींचता है तो वो कितना फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं पुल। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।